आज कमल पटेल आए हैं और अभी उनसे मेरी बात होना बाकी है। उन्होंने अपनी बात रखी है, उनका नीचे कर रहा है, बातचीत तो हो, लेकिन अभी राजू जो कुछ बातचीत होगी भाई माइक पर कर लेना, उनका पक्ष सुनने के बाद फिर बाद में हम ये कमल पटेल ने नहीं किया न कमल पटेल की इतनी बड़ी ताकत है, ये तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, जिनका नर्मदा के प्रति पूरा समर्पण है। शिवराज सिंह चौहान के निर्णय से ये हुआ है और किसी की कोई ताकत नहीं है। और नर्मदा मैया के प्रति जो नर्मदा सेवा यात्रा उन्होंने प्रारंभ की है, मन से नर्मदा मैया के संरक्षण के लिए जो जो वो कर सकते हैं उन्होंने हमेशा कहा है कि हम वही करेंगे। इतनी लंबी बातचीत हुई आज से, नोटिस देने की नौबत सही काम किया, हमें हमला उठाया तो नोटिस देने की नौबत। उस मामले में नहीं उठाया गया है और अवैध खनन की बात कहीं पे कही जाती है तो उसका कहने का एक फोरम होता है। अब ये इस संबंध में मैं आपसे ज्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगा। सर पार्टी का आंतरिक मामला है। नीलम मिश्रा ने भी लेटर लिख दिया एनजीटी को, अवैध खनन हो रहा है, रॉयल्टी चोरी हो रही है, बीजेपी एमएलए उनको भी नोटिस देंगे। देखिए यदि उसने विधायक होने के नाते पत्र लिखा है तो वो कोई मुझे आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन उसमें कहीं संगठन पर पार्टी पे छींटे उड़ते दिखे तो उसका हम परीक्षण करेंगे। सर लंबी बातचीत हुई है आपकी कमल पटेल जी के साथ में, क्या अभी तक कोई सफाई की सुलह की कोई गुंजाइश निकली नहीं है जो अभी और बातचीत करना बाकी है? मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने अभी उनका पक्ष सुना है, अब मेरे तरफ से जो कुछ बातें उनसे करना है वो अब सेकंड सेशन में करूंगा। राजीव प्रताप रूडी की आ रहा है, माफी मांग ली है क्या सर? मामले का पटाक्षेप हो गया, माफी मांग ली उन्होंने पार्टी को? अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं होल्ड किया है। चले जीवन पार्टी के लिए, जीवन भर पार्टी के लिए रहूंगा। और प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई हैं, मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई हैं। मैंने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली, नर्मदा को बचाना चाहते हैं। कुछ जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं और भ्रष्ट जो अधिकारी थे उनके खिलाफ हमने आवाज उठाई थी। मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में ऐसा निर्णय किया जो हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। अरे अब आजकल मैं सबके सामने भी माफी मांगने को तैयार हूँ, मेरी पार्टी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार, जान देने को तैयार हूँ। और इसलिए मैं कभी पार्टी के खिलाफ जीवन में न कभी गया न कभी जाऊंगा। मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई हैं, मेरे नेता राजनीति में मुझे लाए हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है और मेरी पार्टी के लिए मैं कुर्बान होने को भी तैयार हूँ। हिदायत मिली आपको? क्या हिदायत मिली है? खत्म ही हो गया, मुख्यमंत्री जी ने सारा पट्टाचेप कर दिया। बाबे दूतरन का सवाल ही उठता है, बेटे के साथ अन्याय हो गया, बेटे के साथ न्यायालय में पहले भी न्याय मिला, आगे भी न्याय मिलेगा। हिदायत मिली है? क्या हिदायत मिली है? पार्ट संगठन में क्या हिदायत मिली है? अध्यक्ष जी ने क्या कहा? अध्यक्ष जी ने भी मेरी बात सुनी है, अध्यक्ष जी जो कहेंगे जो उनका आदेश होगा सर आपको। आपने कोई गलत मुद्दा नहीं उठाया, मेरा मुद्दा सही था, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा काम किया।